अग्रणी पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम एम राठी ने स्लीप एपनिया एक गंभीर नींद विकार जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, इसके शीघ्र निदान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। रेसमेड द्वारा हाल ही में किए गए ग्लोबल स्लीप सर्वे 2023 से पता चला है कि साल 2023 में उनकी नींद की गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में 22% की गिरावट आई है। साथ ही 90% भारतीयों का मानना है कि एक स्वस्थ नींद समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकती है, लेकिन वे किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेने में झिझकते हैं। इसके विपरीत एप्स और गैजेट्स के माध्यम से नींद की ट्रैकिंग में अचानक वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं की समग्र नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गुणवत्ता वाली नींद, काम से संबंधित कारकों, वित्तीय तनाव और दिनचर्या में बदलाव के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसलिए समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने और रात को अच्छा आराम पाने के लिए नींद से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए शिक्षित करना और सक्रिय उपाय करना महत्वपूर्ण है। नमस्ते, मैं डॉक्टर विक्रम राठी, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में। स्लीप एपनिया, यह नींद में सांस रोकने की बीमारी, कई लोग इसे खराटे की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। स्लीप एपनिया वैसे बहुत प्रेविलेंट है, काफ़ी कॉमन है। ऑल्डो यह नींद की बीमारी है तो कई बार ये ध्यान में नहीं आता, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली हमारा आज यही उद्देश्य है कि इसका अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे। स्लीप एपनिया के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो रात में खर्राटे आना, रात में एकदम से सांस का रुक जाना, नींद खुल जाना, घबरा के उठना, नाइट में यानी बुरे सपने, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, सुबह उठ के लगना कि नींद बराबर नहीं हुई, थका थका लगना, हेडेक होना, दिन में सुस्त रहना, सुस्ती आना, दोपहर में सोना कंपलसरी हो जाना। अगर हम कहीं बैठे हैं आइडियली, सपोज़ कार में बैठे, पार्क में बैठे, कहीं भी बैठे और बैठे बैठे आँख लग जा रही है तो ये भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। शाम तक ये थका थका लगना, फोकस नहीं कर पाना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना, ये कुछ इससे कॉमन सिम्टम्स है। हाँ जी, तो बेसिकली जो ओबीस पेशेंट्स है उसमें यह काफ़ी कॉमनली पाया गया है। इसका बेसिक मैकेनिज्म ऐसा है कि नींद में जब बॉडी पूरा आराम करने, मतलब आराम होना चाहिए, जब बॉडी को आराम मिलना चाहिए, तो उस समय सांस की नली पे बाहर से दबाव आता है और सांस की नली हमारी नैरो हो जाती है या सिकुड़ जाती है। अगर नली हमारी सिकुड़ गई तो उस समय हवा का प्रवाह अंदर कम होता है, ऑक्सीजन कम जाता है और उस कारण से सिम्टम सारे हमको देखने मिलते हैं। स्लीप एपनिया के वजह से ही वेट बढ़ना, वेट इजीली कम नहीं होना, बीपी की तकलीफ़ या तो शुरू हो जाना या बढ़ते जाना, डायबिटीज़ शुरू हो जाना, ये कुछ कॉमन इसके कॉम्प्लिकेशंस है। हार्ट के प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, लकवा आना, ये सारे। तो हमने जो बात की है कुछ सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम किसी पेशेंट को रहते हैं तो उन्होंने स्लीप स्टडी यानी पॉलीसोमनोग्राफी यह टेस्ट करवानी चाहिए। इसके लिए जो पल्मोनोलॉजिस्ट है या जो आपके फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। स्लीप स्टडी यह बहुत बेसिक सिंपल टेस्ट है। बेसिकली इसमें यह ओवरनाइट स्टडी है, रात में आपकी जो नींद का पैटर्न है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट डे इसका एक रिपोर्ट तैयार होता है और हमको तब ध्यान में आता है कि स्लीप एपनिया है या नहीं। स्लीप एपनिया अगर है तो किस कैटेगरी का है, मतलब माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, और अकॉर्डिंगली फिर इसका जो ट्रीटमेंट है यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट बोलो या वेट रिडक्शन या लाइफस्टाइल चेंजेस या पैप थेरेपी यानी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी जिसे हम सीपैप या बीपैप के नाम से कॉमनली जानते हैं, ये हम फिर रिपोर्ट के हिसाब से फिर आगे हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। वॉकआउट हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम एम राठी ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से स्लीप एपनिया की जांच करने और रोगियों को निदान और उपचार के लिए रेफर करने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अक्सर स्लीप एपनिया वाले रोगियों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। यह महत्वपूर्ण है कि उनके पास स्लीप एपनिया की जांच करने और रोगियों को उचित निदान और उपचार के लिए संदर्भित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हो। स्लीप एपनिया एक गंभीर नींद विकार है जिसके लिए आगे की जटिलताओं को रोकने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए शीघ्र निदान और उपचार की आवश्यकता होती है। डॉक्टर राठी की यह कॉन्फ्रेंस भारत में स्लीप एपनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को अपनी नींद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने का एक मूल्यवान अवसर था। एक साथ काम करके हम स्लीप एपनिया के निदान और उपचार में सुधार कर सकते हैं और इस गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बोझ को कम कर सकते हैं, ऐसे जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान वॉकआउट हॉस्पिटल के डॉक्टर राठी द्वारा दी गई।
एनबीसी न्यूज की राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।